यूपी के मेरठ में अमानतुल्ला खान के परिजनों और रिश्तेदारों की पुलिस द्वारा पिटाई करने का आरोप लगा है। अमानतुल्ला खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आरोप है कि मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र के आगवानपुर गांव में अमानतुल्ला खान के परिजनों और रिश्तेदारों की पुलिस ने पिटाई की। यह आरोप अमानतुल्ला खान के परिजनों ने लगाया। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि योगी की पुलिस ने मारपीट करने के साथ अभद्रता भी की। उनका आरोप है कि हम दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से अमानतुल्ला खान की जीत पर जश्न मना रहे थे और मिठाई बांट रहे थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंची और हमारे साथ अभद्रता व मारपीट की। वहीं यूपी पुलिस ने मारपीट करने के आरोप को सिरे से खारिज किया। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने सफाई दी कि बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था। उनको समझाया गया कि ऐसा कोई काम न करे जिससे माहौल खराब हो, इसके बाद उनको सिर्फ रोका गया। पुलिस का कहना है कि बिना ज्यादा जुलूस निकालने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की विवेचना की जा रही है और मारपीट के आरोप निराधार हैं। आपको बता दें, दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले अमानतुल्ला खान मूल रूप से मेरठ के अफगानपुर के रहने वाले हैं। अमानतुल्ला खान की जीत पर उनके परिजन और रिश्तेदार मेरठ में जश्न मना रहे थे। यूपी पुलिस पर यह आरोप है कि जश्न मना रहे लोगों और अमानतुल्ला खान के चचेरे भाई से पुलिस ने मारपीट की और अभद्रता भी की। ऐसे में कहा जा सकता है विधायक के रिश्तेदारों के साथ यूपी पुलिस ने बदसुलूकी की। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।